अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंजा का किचन। सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं स्टोव साफ़ कर लेती हूं। तो वैसे तो साफ़ था, लेकिन रात में क्या होता है कि यान जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर इधर बनाता है या सुबह उठ के। तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो मैं आराम से अपना जो है ना वो कुकिंग करूँगी। तो आज यहाँ जो है वो मैं अपने हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता जो है वो बना रही थी, और उन्हें ये वाला नाश्ता बड़ा पसंद है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में ना मुझे आलू शालू बिल्कुल नहीं पसंद। आलू वैसे पसंद है, लेकिन इस तरह से अंडे के साथ मिला कर नहीं पसंद। तो यहाँ ना मैंने दो आलू बारीक बारीक कट कर लिए थे, और एक टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था, और इसके अंदर जो है वो मैंने सारे आलू जो है वो डाल दिए थे, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल जो है ना अच्छे से कोट कर ले, और फिर कवर करके इसे जो है गलने तक इसको पकाऊंगी। कलर भी चेंज हो जाए और गल भी जाए अच्छी तरीके से ना। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो है वो मैं मसाले डाल दूंगी। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते, सिर्फ नमक और कुटी हुई मिर्च, वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही कर देना। हमने हमारे टेस्ट के हिसाब से डाल दिया था, और साथ साथ जो है ना इसमें मैंने दो अंडे डाल दिए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जो है ना वो थोड़े कच्चे कच्चे अंडे ज़्यादा पसंद आते हैं, और मुझे बिल्कुल फुल कुक्ड अंडे जो है वो पसंद है। तो खैर, यहाँ मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए अंडे भी डाल दिए थे, अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्ची और धनिया भी डाल दिया था साथ साथ, और कवर कर दिया था, और स्टोव जो है यहाँ पे मैं बंद कर चुकी थी ताकि ये थोड़ा कच्चा कच्चा रहे। लेकिन जितनी देर में रोटी बनी ना, उतनी देर में ये अच्छा खासा पक चुका था। बस इसके बाद जो है वो मैं चपाती डाल दूँगी हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड जो है वो ना ब्रेड वगैरह नहीं खाते, पहले खाते थे बहुत शौक़ से, बट हेल्थ इशू की वजह से जो है ना वो अब रोटी ही प्रिफर करते हैं। ज़्यादा हर चीज़ में रोटी ही बनती है उनके लिए। और मैं यहाँ जो है वो अपने लिए जो है वो एग फ्राई कर रही थी, और जिस तवे पे मैं कर रही थी ना, गलती से उस तवे पे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसमें जो है वो एग्स वगैरह सब चिपक जाते हैं। तो यहाँ मेरा अंडा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। खैर, यहाँ जो है ना वो जिस तरह से भी मैंने इसको टर्न करा, और जर्दी तो खैर इसकी टूट गई थी, बट ठीक है, हमने कौन सा अवार्ड विनिंग शो में जाना है। कभी कभी इस तरह से भी हो ही जाता है जल्दी जल्दी में। बस इसके ऊपर जो है ना वो मैं ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और नमक डाल दूंगी। मुझे इस तरह से ये बहुत अच्छा लगता है, और चाय के साथ जो है ना इसे मैं सर्व कर दूंगी। हम लोग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे मज़ेदार सा। अच्छा, यहाँ ना अजलान आया था, उसको जो है ना उसके पापा ने टाई पहना दी थी, और ये अहियान की टाई थी, पता नहीं कहाँ से निकल कर आई। तो मैं भूल गई इसके पीछे जो है ना वो चिपकाने वाला था। मैंने क्या किया कि पहले तो उसको पूरा नॉट उसका आगे से खोला, बाद में पता चला कि वो बैग से खुलता है। चाय भी रेडी हो गई थी, यहाँ हम कर लेंगे अपना नाश्ता। अच्छा, नाश्ता करके अभी हम फ्री हुए ही थे कि अजलान ने जो है ना वो अपना कबाड़ फैलाना शुरू कर दिया। मींस उसने अपने सारे टॉयज लाकर दोबारा फैला दिया। अच्छा, साथ साथ ना घर की यानी जो मेरा ड्राइंग रूम था, जिससे लास्ट ईयर मैंने स्टोर रूम बना लिया था, अभी दोबारा उसको ड्राइंग रूम बनाया, तो उसकी भी सेटिंग चल रही थी। खैर, सेटिंग पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, पर उसकी वजह से किचन थोड़ा जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया हुआ था। सेटिंग तो मैंने पूरी आप लोगों को नहीं दिखाई किस तरह से की, आगे बताती हूँ, लेकिन अभी उसमें अभी भी काम चल रहा है कुछ ना कुछ, जैसे भी फ्रेम लगने बाकी सारी चीज़ें। तो हम लोग आ गए थे यहाँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी मैं कर चुकी थी मंथली, लेकिन ना मैंने हस्बैंड से कहा कुछ तुच्छ पुच्छ ख़त्म हो गए। तो वो हम यहाँ चारों के चारों आ गए थे। कुछ अहियान ने लेना था, अजलान ने अपने टॉयज़ ख़रीदने थे, और हम लोगों ने अपनी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ ना अहियान जब छोटा होता था तो हम लोग ये चॉकलेट मिल्क पीते थे, तो वो अपने लिए और मेरे लिए लाया था सिर्फ। और अजलान ने क्या किया कि वो दोनों के दोनों डब्बे खुद ही पी गया, जब घर आए तो एम्प्टी बॉक्स पड़े हुए थे। साथ साथ अजलान ने अपने लिए जूस गाड़ी ख़रीद ली, और ये जो सोफ़ा है ना, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी इसका कपड़ा चेंज करवा दें, ये बहुत गंदा हो गया और फट भी गया है, क्योंकि अजलान छोटा था ना, वो चॉकलेट्स वगैरह सब इसमें लाकर लगाता था। हालांकि मैं साफ़ भी करती थी, बट पता नहीं क्यों ये क्लीन नहीं हुआ। इसके बाद ना यहाँ मैं ढूँढ रही थी अजलान के चिप्स, जो जिसे वो कहता है ना मैजिकल चिप्स, वो मैं ढूँढ रही थी, जो मुझे मिल नहीं रहे थे। वो बहुत सारे लेकर आया था इस बार, और उसकी फरमाइश थी कि मुझे चिप्स एंड नगेट्स
बना दें, साथ में अहियान भी कह रहा था मुझे कुछ बना दें, भूख लग रही है। एंड इनके बाबा को भी भूख लग रही थी, तो पहले यहाँ मैं बच्चों की पेट पूजा करवा लेती हूँ और बाद में बाबा के लिए भी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने फ्राइंग आइटम्स तो खाने नहीं होते। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है, तो मुझे जो है ना हमारी ट्रेडिशनल चाव कली बोलते हैं जिसे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे भले भी बोलते हैं और भी इसके बड़े सारे नाम हैं, खुंजा में से कुछ और बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल सूप है बेसिकली, जो ठंडे मौसम में जो है वो हम लोग पीते हैं, या वैसे भी हम इसे पी लेते हैं, बहुत मज़े का होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है मेरे लिए, वही बना दो। तो बस मैं यहाँ बच्चों के लिए चीज़ें फ्राई वगैरह करूँगी और उसके बाद जो है ना वो बनाने खड़ी हो जाऊँगी। साथ साथ जो है वो पानी भी आ रहा था, हम पानी भी भर रहे थे, तो मैं अच्छी खासी जो है ना वो टायर्ड हो गई थी काम करते करते। तो जो सूप बना रहे थे ना वही हमारा डिनर भी था, क्योंकि उसमें आटा डलता है तो वो पेट अच्छे से भर दे जाता है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए जो है वो चिप्स वगैरह फ्राई कर ली थी, कुछ नगेट्स फ्राई कर लिए थे और मैंने भी वही खा लिया था, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो भूख थी नहीं। बस फिर हस्बैंड ने कहा मैं कुछ भी नहीं लूँगा, मैं बस फिर वही सूप पीऊँगा, अगर मैंने कुछ खा लिया तो फिर मैं रात में खाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने तो खैर कुछ भी नहीं लिया था, हम लोगों ने ये चिप्स और नगेट्स वगैरह खा लिए थे। एक आध नगेट्स जो है वो मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, ज़्यादा नहीं, बस शायद एक खाया होगा या आधा ही खाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं खाया था। और इसके बाद जो है ना ये क्लिप मैंने सोचा ज़रूर ज़रूर डाल देती हूँ, छोटे से बड़े तक ना सबके सब फ़ोन लेकर बैठे थे, बड़े बिजी थे अपने गेम्स में। अच्छा साथ साथ जो है ना वो मैंने कली बना ली थी, इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, अगर मुझे याद रहा तो मैं ये वीडियो अपलोड करते हुए और मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। ख़ासकर रमज़ानों में इसकी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने डाली थी, रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में। हेल्दी फूड है और जो है ना वो पेट भी फुल हो जाता है और अच्छा भी रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो तीनों घर में होते हैं ना, अब हस्बैंड तो मेरे यहाँ ज़्यादा होते नहीं हैं, छुट्टियों में आते हैं ईयरली, तो जो हम तीनों हैं वो तीनों के तीनों ये बहुत शौक़ से पीते हैं, मतलब अजलान भी पी लेता है, आन भी और मैं भी, तो ये कम्प्लीट एक मील हो जाता है और आसानी रहती है इससे, एक दफ़ा बस बना लो। वरना क्या होता है, एक के लिए कुछ बनाना पड़ता है, एक के लिए कुछ बनाना पड़ता है, सब लोग एक जैसी चीज़ नहीं खाते और सबसे ज़्यादा नखरे तो मैं कहती हूँ इनकी मम्मी करती है, उसके बाद फिर बच्चे करते। खैर यहाँ पर ये बन चुका था और उसके बाद बहुत थक गए थे, खाने के बाद हम लोग सो गए थे। ये सेकेंड डे का क्लिप है, हम लोग बाज़ार आए हुए थे क्योंकि कर्टेंस को जो है ना वो सेट करवाना था, ड्राइंग रूम मैंने कहा था सेट हुआ है तो उधर कर्टेंस भी लगाने थे, एंट्रेंस पे कर्टेंस लगाने थे। तो ये कर्टेंस तो मेरे पास थे बट लंबे बहुत ज़्यादा थे, तो नीचे से कटिंग करवानी थी, इसके साथ बाकी सामान भी लेना था और कुछ चीज़ें मुझे भी चाहिए थी, बास्केट चाहिए थी वो ले ली थी मैंने। उसके बाद जब घर आया ना तो शाम की चाय का टाइम था और हस्बैंड को लगी थी ज़बरदस्त वाली भूख, क्योंकि लंच हम लोग ने किया नहीं था और शाम का टाइम हो गया था, तो कुछ हेल्दी भी खाना था और फिलिंग भी खाना था, ताकि बस ऐसे कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाना था। तो यहाँ ना मैंने रोटी फ़ौरन से हस्बैंड के लिए बना ली थी और यहाँ मैं रैप बना रही थी जिसमें मैंने सलाद पत्ता डाल दिया था, कुछ क्यूकम्बर्स डाल दिए थे, कैरेट डाल दिया था और अनियन टोमेटोज़ जो भी आप लोग को अच्छा लगे या जो भी आप लोग की पसंद हो। इसके साथ जो है ना वो मैंने ये चिकन जल्दी से गरम कर लिए थे, ये मैंने कुछ दिन पहले इसकी रेसिपी डाली थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला डालकर जो है ना हल्के से ऑयल में, बिल्कुल एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में मैंने इसको चिकन को जो है ना अच्छे से पका लिया था और इसे मैंने डीप फ्रीज कर लिया था। जब भी चाहिए हो इस तरह से बस थोड़ी सी चिकन निकाली और आप इसे यूज़ कर लें। इसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी डाली थी और स्टार्ट में भी जो है ना वो ग्रीन चटनी डाली थी, क्योंकि हस्बैंड को टोमेटो केचप्स वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये घर की बनी हुई ग्रीन चटनी थी। और यहाँ रैप बिल्कुल रेडी हो गया था, ये मैंने हस्बैंड को दे दिया था और मैं इतनी थक गई थी ना, असल में मैं बीमार भी होती हूँ, मेरी बैक पेन का भी मसला है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर जो है ना वो खड़े नहीं रह सकती, मुझे बीच में रेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, हालांकि सोने का टाइम नहीं था, डिनर बनाने का टाइम था, बट आज हस्बैंड ने कहा था कि डिनर वो बनाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा लेती हूँ, हस्बैंड ने जो है ना वो पर्दे लगा दिए थे कर्टन्स और रूम कुछ अभी फ़िलहाल इस तरह से है, अभी इसमें चेंजेस लानी है, हमने टेम्प्रेरी बेसिस पर सब चीज़ें अंदर बस फिक्स कर ली थी कि सेट हो जाए। अभी टीवी यहाँ आना बाकी है, फ्रेम्स लगना बाकी है और शायद जो सिंगल सोफ़ाज़ है ना उसकी भी सेटिंग शायद चेंज हो और
और वास के अंदर जो है वो अभी फ्लावर्स लगने बाकी है। बाकी मैं सो गई थी, उठी हूँ तो हस्बैंड ने खाना बना लिया था। ये हमारे देसी खाने तकरीबन गांव में हर घर में ये रात के टाइम बनते हैं, बड़ा ट्रेडिशनल फूड है, जिसे हम खनीज राइस कहते हैं, ग्रीन साबुत दाल से बनते हैं और सालन। ये दूसरे दिन सुबह वोट करने हम लोग जा रहे थे, तो बस वोट देने चले गए थे, हमने जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा लिया। अब देखें आगे क्या होता है हमारे मुल्क में। हमने अपने कायद को जो है वो वोट दे दिया, बस आगे देखें। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना, तो वोट देने के बाद अम्मी और अबू मेरे साथ आ गए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में क्या क्या बनाया था उसकी रेसिपी तो मैं नहीं ले सकी क्योंकि बस जल्दी जल्दी कर रही थी। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, लाला के पराठे तो मस्त थे, वोट में दे चुकी हूँ, लाला के पराठे तो मस्त थे। साथ में जो है ना यहाँ पर मैंने सॉसेजेस फ्राई कर लिए थे, साथ में चीज़ ऑमलेट था और कलेजी फ्राई की थी जिसकी रेसिपी नहीं थी, सालन था रात वाला और राइस भी रात वाले ही थे, चाय थी, लाला का पराठा था और हमने खूब इंजॉय किया। बस यहाँ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।